अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक सोलर पैनल लगाने के लिए कितना खर्च आता है, जिस पे 5 हॉर्स पावर की मोटर चल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको मोटर दिखा देता हूँ। ये है जी 5 हॉर्स पावर की मोटर। फिलहाल बंद है, मैं तो बाद चलाते ही कहना। तो हम चलते हैं कि सोलर प्लेटा कितनी लगी हैं वो तो हमें कहना। ये जी 2 फ्रेम लगे ने, एक तो लगी हैं 8 प्लेटा, 300 वोल्ट दी एक प्लेट है, दूसरे तो लगी हैं 3। दोनों फ्रेम जड़े न तकरीबन 8-8 प्लेटा दे, लेकिन एक तो 8 लगी दूसरे तो 3 लगी। तो पानी में चेक कराना बाद पहले तो दिखा वीडियो शुरू करने तो पहले मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो में लाइक लाजमी करो, कमेंट करते दसो तुम वीडियो की जी लगी। ये जी लगी ने 8 प्लेटा, 3 प्लेटा वो लगी। इस वीडियो में मैं तुम मुकम्मल तफसील नाल दसेसा भाई ये सारा काम किस तरह होता है। ये जी इनवर्टर है, ये लगे ने जी फ्रेम। सारे नालों जो मेन काम है इससे मजबूती ना ले फ्रेम लाना, क्योंकि जो तेज़ हवा चलती है ना तो बहुत नुकसान होता। मेरा अपना ही नुकसान हो चुका है, ये पूरा फ्रेम इस जगह तो निकल गया ही, उत्ते इस जगह तो उत्ते तकरीबन 6 प्लेटा टूट गई, 60-70 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया। तो इस मजबूती न लाना बड़ा अहम काम है। ये वेख सकते हो भाई तकरीबन थले 3 तो 3.5 फुट गड़ा है, उसनों सीमेंट तो बजरी न भरे हुए, उस काबले लगे ने, उत्ते प्लेट लगी हुई है, उस कसे होने 4 काबले। हूँ मैं तुम दस इन्ना कि भाई इसते खर्चा कितना आता है जी। ये तकरीबन 11 प्लेटा हैं, 10 हज़ार की एक प्लेट है, 1,10,000 ये हो गया। लाजमी नहीं कि हर जगह ते 11 प्लेटा काम दे से, क्योंकि इतने दरिया बहुत नज़दीक है, तकरीबन 3-4 एकड़ दूर ही है दरिया, इसलिए पानी की जी सतह है वो तकरीबन 10 तो 12 फुट ही है, 15 ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए पानी का कोई मसला नहीं होता। तो 14 प्लेटा ही लगदियाँ, 16 ही लगदियाँ, 18 ही लगदियाँ, वो पानी की सतह के हिसाब न आता। तो अगर 14 लगन तो 1,40,000 बनता है। पहले मैं ही 14 लाई हुई, लेकिन किसी मसले की वजह तो बाकी 3 ला ली, 11 लगी। 11 तो पानी ठीक ठाक दे रही, तकरीबन 6-7 किले हैं जमीन दे जिन्होंने इन्ना तेल लगी है, उन्होंने ठीक ठाक पानी दे रही है टाइम पे। तो 14 प्लेटा भाई अगर तुस लानियाँ, अगर नॉर्मल पानी की सतह है तुहाडे कोल तां तो 1,40,000 रुपया तुहाडा खर्चा इन प्लेटों का। अगर तुस अच्छे फ्रेम बनवाते हो भाई टुटे नहीं, तो मैं खुद ही बनाया इन्ना, तो 60,000 रुपया खर्चा है। ये तुस प्लेटों का रुख ही वेख सकते हो कि खला रुख के चेन है प्लेटा, दूसरे रुख के जो टुटन का ऑल आता कि अंदर लम्बिया ज़्यादा तो दरमियान आवाज प्रेशर ज़्यादा होता है, त्रुटी सकदी ने। मेरी एक और मोटर लगी उस दवा के प्रेशर निकल गई, प्लेटें त्रुट गई।
यार मैं तुम्हें अगे दस्या भी पूरा फ्रेम ही निकल गया। एक फ्रेम चू चार प्लेटा त्रुट गई, तो दूसरा फ्रेम निकलिया कोई ना, उसी चू दो प्लेटा पिछू निकल गई तो त्रुट गई और दूसरे रोक के लगियां। तो भाई 1,40,000 इन्ना तो हो गया, 60,000 फ्रेम तो लगता है दून से, 2 लाख हो गया, 35,000 द इन्वर्टर है, 25,000 की मोटर है, कितना हो गया 2,60,000। ते बाकी है तार वगैरह 10-15,000 उस लग जाता है, ले आने का खर्चा, मिस्त्री की मजदूरी वगैरह। वो तकरीबन अगर तुहाडा बोर पहले है तो, अगर तुसा बोर ही करावना है तो फिर खर्चा ज्यादा है। अगर तुहाडा बोर पहले है तो फिर इतना तकरीबन 2,80,000 या 70,000 जिते चल जाती मोटर। ये तकरीब मैं अपनी हर चीज़ आप ही बनाई है, फ्रेम सेटिंग हर चीज़ मैं खुद ही किया, तो मेरा खर्च होया 2,60,000 14 प्लेटों के भाई जी, ये 3 प्लेटों में मैं ला ली हूँ 11, लेकिन पहले 14। ये मैं तुम दस इन्ना भाई, सेटिंग भी बंदा इसकी खुद ही कर सकता है। ये जड़िया तारा तुम वेख रहे हो, हर तार दे नाल एक जमा ली आँदी तो एक माइनस आली, तकरीबन इतों नज़र नहीं आना दूर। ये जेड़ा है भाई, एक प्लेट दी जमा वाली तार दूसरी दी माइनस वाली तार नाल लाश होनी, इस तरह सारिया प्लेटों का एक जमा तो दूसरी माइनस, आखिर तो दो बच वैसे एक जमा तो एक माइनस, ये वेख सकते हो एक जमा तो एक माइनस। ये इन्वर्टर ही लगनी है, तो अगे 3 तारा निकलियां इन्वर्टर चो, क्योंकि इन्वर्टर 3 फेज करंट देता, अगे 3 फेज मोटर आती है। तुस मिस्त्री को करा सकते हो, आप ही कर सकते हो, तकरीबन 500-700 रुपये मिस्त्री लैसी है सैटिंग कराने। अगर तुम किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो तुस कमेंट करके पूछ सकते हो, उम्मीद करना कि तुम हर चीज़ का पता लग गई हो। सी फेरी मैं दस देव कि भाई ये हर किसी के इलाके के हिसाब ना लैद लेता खर्चा, क्योंकि जिन्हें जगह पर पानी बहुत थले, तकरीबन जरा बोर होता 150-200 फुट पर होता, उत्थे भाई ये 16 या 18 प्लेटा लग सकता, ये कामयाब नहीं होनी। तो तुसी वेख सकते हो लग्या एक सोलर पैनल, उत्थे 14 प्लेटा लगिया ने, तकरीबन 1 एकड़ ही दूर है, लेकिन मैं 11 ही लाई, पानी उन्हें तो साडा सेम है। पहले मेरी 14 लगिया, मैं 3 दूसरी मोटर जी मैं तुम दसी त्रुट गई उ खोल के लाइया। ये हम मैं तुम पानी जी भी कहना, ये मोटर है वो तो पिछे लगे ने फ्रेम, ये पानी के ला क्योंकि सुबह दे आली तकरीबन 7 बजे धूप इतनी तेज नहीं, इसलिए पानी वाली काम में जिमें जिमें धुप तेज उसी पानी बता वैसे देख सकते। अगर तुम भाइयों किसी चीज का समझ ना आवे तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं दियो इजाजत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो प्लीज, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो थोड़े वास्ते लैके आता रहा तो तुम्हें ही फायदा होता रहे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, तो कमेंट लाजमी करो अगर किसी गल की समझ नहीं आती। शुक्रिया।